Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. चर्च के ज़ेरे तमाम स्कूलों में बदसलूकी, कनाडा के कदीम मुकामी अफराद का पॉप से मुआफ़ी पर इसरार। कनाडा के मुतासर कदीम कबाइल रवा हफ्ते वेटिकन का दौरा करेंगे। गैस की कीमतों में इजाफे के साथ ही लोगों ने ड्राइविंग कम कर दी। अटलांटिक कनाडा में 70% शहरियों ने ड्राइविंग कम कर दी। मुस्तकबिल करीब में गैस की कीमतों में कमी का इम्कान नहीं है। कनाडा की फुटबॉल टीम ने तारीख रकम कर दी। कनाडा की फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए क्वालिफाई कर लिया। कनाडा ने 36 साल कबल मेगा इवेंट में शिरकत की थी। यूक्रेन की मईशत को जंग से 560 अरब डॉलर का नुकसान। 8000 किलोमीटर सड़कें तबाह। वजूद को खतरा हुआ तो जौहरी हथियार इस्तेमाल करेंगे, रूस की वार्निंग। रूसी हुकाम का कहना है कि यूक्रेन ऑपरेशन को जवाब बनाकर जौहरी हथियार इस्तेमाल करने का इरादा नहीं रखते। अमरीका और यूरोपीय ममालिक की रूस पर सख्त तरीन पाबंदियाँ। खाम तेल की कीमतें फिर गिरावट का शिकार। कीमत 103 डॉलर पर आ गई। भारत में पेट्रोल की कीमत में 8 रोज में 7वीं बार इजाफा। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an eco-fresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. अब अगला मैसेज आपके कार और होम इंश्योरेंस में भारी बचत का। क्या आपके घर या कार के इंश्योरेंस का रिन्यूअल ड्यू है और आपको तलाश है सही कवरेज के साथ साथ अच्छे रेट्स की, तो आज ही कॉल करें ऑल स्टेट के रवि को और पाएं रेट्स में बचत और बेहतरीन सर्विसेज। हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू में सर्विसेज देते हैं। कॉल रवि टुडे 6474929236 6474929236। यू आर इन गुड हैंड्स with Allstate. मसीही बरादरी के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने कनाडा में चर्च के ज़ेर तमाम चलने वाले स्कूलों में बदसलूकी के वाकयात बराहे रास खुद सुने, जबकि दूसरी जानिब कनाडा के कदीम मुकामी अफराद ने पोप फ्रांसिस से मुआफ़ी का मुतालबा किया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मसीही बरादरी के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने कनाडा में चर्च के ज़ेर एहतमाम चलने वाले स्कूलों में बदसलूकी के वाकयात बराह रास्त खुद सुने, जबकि दूसरी जानिब कनाडा के कदीम मुकामी अफराद ने पोप फ्रांसिस से मुआफ़ी का मुतालबा किया है। कदीम मुकामी कबाइल मैट्स और एनोत रवां हफ्ते वेटिकन का दौरा करने वाले हैं, जहाँ वो पोप से मुलाकात करके इस स्कैंडल पर बात करेंगे जिसने कैथोलिक चर्च को हिला कर रख दिया है। मेटिस नेशनल काउंसिल के सदर कैसडी कैरोन का कहना था कि लोगों की मौजूदगी में पोप ने स्कैंडल से जुड़े तीन वाक्यात मुफसिल अंदाज से सुने। कनाडा में कैथोलिक चर्च ने गैर मशरूत अंदाज से कदीम मकामी कबायली ग्रुप से एक सदी तक जारी रहने वाली बदसलूकी के वाकयात पर माफ़ी मांगी है, जबकि पोप फ्रांसिस ने भी इस स्कैंडल पर गहरे दुख का इजहार किया है। ताहम उन्होंने इन वाकयात पर अब तक माफ़ी नहीं मांगी। जबरी इंजमाम की हुकूमती पॉलिसी के एक हिस्से के तौर पर कनाडा के मकामी बच्चों के ज़ेर अहतमाम चर्च के ज़ेर इंतज़ाम स्कूलों में गुज़िश्ता मई से अब तक 1300 से ज़ायद बेनिशान कब्रें दरियाफ्त हुई हैं। 85 साल पॉप जुमे को हतमी ग्रुप मीटिंग से कबल जुमेरात को असेंबली ऑफ फर्स्ट नेशन से एक वक्त वसूल करेंगे। कनाडा में कैथोलिक चर्च ने चर्च के ज़ेर इंतज़ाम रिहायशी स्कूलों में एक सदी की बदसलूकी के लिए कनाडा के मुकामी लोगों से गैर वाज़ेह तौर पर माफ़ी मांगी है। फ्रांसिस ने इस स्कैंडल पर अपने दर्द का इजहार भी किया है, लेकिन वो इस हद तक आगे नहीं बढ़े कि खुद माफ़ी मांगे। कैनेडियन बिशप के मुताबिक फ्रांसिस ने कनाडा का दौरा करने पर आमादगी का इशारा दिया है, हालांकि अभी कोई तारीख तय नहीं की गई है। वेटिकन का दौरा करने वाले 32 मंदोबीन का कहना है कि कनाडा में फ्रांसिस की जानिब से माफ़ी मांगना दुखों के मददावे के अमल में एक अहम कदम होगा।
कैनेडियन शहरियों की एक बड़ी तादाद का कहना है कि वो पंप पर खर्चात को पूरा करने के लिए कम ड्राइविंग का इंतखाब कर रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। गैस की कीमतों में इजाफे के साथ ही लोगों ने ड्राइविंग कम कर दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक तहकीक से पता चलता है कि तकरीबन निस्फ कैनेडियन पैसे बचाने के लिए कम ड्राइविंग कर रहे हैं। रेट्स CA के मुताले में 1500 शुरका का जायजा किया गया, जिनमें से 54% ने कहा कि वो पंप पर अखराजात को पूरा करने के लिए कम ड्राइविंग का इंतखाब कर रहे हैं। 5 में से 1 ने यह भी कहा कि वो इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाने पर गौर करेंगे। ताहम माहरीन का कहना है कि ये स्विच बेहतरीन हल नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक गाड़ियां अच्छी हो सकती हैं, लेकिन वो इंतहाई महंगी हैं और मौसर नहीं है। रेट्स CA के मुताले से यह भी पता चला कि अल्बर्टा और सैस्कीचौन के रिहायशियों ने कम ड्राइविंग के लिए सबसे कम राय दी। रेट्स CA के मैनेजिंग एडिटर ने कहा कि मेरे ख्याल में अल्बर्टा और सैस्कीचौन में कार कल्चर बहुत बड़ा है। आप कार में जगह हासिल करने के बहुत आदी हैं और आपके पास बहुत सारे मुतबादल नहीं हैं, लिहाजा ये हैरत की बात नहीं है। दरियासना एटलांटिक कैनेडियंस में से 70% का कहना है कि वो अक्सर पंपों की तरफ नहीं जा रहे हैं। मुस्तकबिल करीब में गैस की कीमतों में कमी का इम्कान नहीं है और 1 अप्रैल तक गैस के बिलों पर इजाफी कार्बन टैक्स आने से कैनेडियन लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी कीमती होती जा रही है। कनाडा ने 36 साल बाद पहली मरतबा फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। कनाडियन फुटबॉल टीम अपने ग्रुप में टॉप 3 में जगह बना चुकी है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग मुकाबलों में कनाडा की फुटबॉल टीम ने जमैका के खिलाफ 0-4 से मैच जीत कर तारीख रकम कर दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक कनाडा ने 36 साल बाद पहली मरतबा फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। टोरंटो में होने वाले इस मैच में कनाडा की जीत के बाद कैनेडियन फुटबॉल टीम अपने ग्रुप में टॉप 3 में जगह बना चुकी है। कनाडा ने अपना आखिरी वर्ल्ड कप 36 साल कबल 1986 में मैक्सिको में खेला था और नहायत ही मायूस कुन कारकर्दगी का मुजाहरा किया था और अपने ग्रुप में बिना कोई गोल किए आखिरी पोजीशन हासिल की थी। फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 के क्वालिफाइंग मुकाबले में कनाडा के कॉय लॉरन और ताजोन बिचौने ने हाफ टाइम से कबल ही टीम को 0-2 की बर्तरी दिला दी थी। कनाडा की जानिब से जूनियर हाइलेट ने भी एक गोल स्कोर किया, जबकि जमैका के डिफेंडर ने फुटबॉल अपने ही गोल पोस्ट में फेंक कर कनाडा की बर्तरी को 0-4 तक मजबूत और मुस्तहकम कर दिया। कैनेडियन फुटबॉल की तारीख में ये दूसरा मौका है कि जब कौमी टीम ने फुटबॉल के मेगा इवेंट में अपनी जगह पक्की की है। कैनेडियन फुटबॉल टीम की इस तारीख सांस कामयाबी में टीम के इंग्लिश कोच जॉन हेडमैन का बहुत बड़ा हाथ है, जिनकी कोचिंग में कनाडा की खवातीन फुटबॉल टीम ने 2012 और 2016 के ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल्स हासिल किए थे। यूक्रेन की मईशत को जंग से 560 अरब डॉलर का नुकसान, 8000 किलोमीटर सड़कें तबाह, वजूद को खतरा हुआ तो जौहरी हथियार इस्तेमाल करेंगे, रूस की वार्निंग। रूसी हुकाम का कहना है कि यूक्रेन ऑपरेशन को जवाब बनाकर जौहरी हथियार इस्तेमाल करने का इरादा नहीं रखते। यूक्रेन की मईशत को जंग से 560 अरब डॉलर का नुकसान हो गया, 8000 किलोमीटर सड़कें तबाह हुई। वजीर मईशत ने नुकसान का तखमीना जारी कर दिया। रूस के साथ जंग यूक्रेन की मईशत पर भारी पड़ गई। यूक्रेनी वजारत इक्तिसादियात से जारी आदाद शुमार के मुताबिक यूक्रेन को अब तक 560 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। रूसी बमबारी से 8000 किलोमीटर सड़कें तबाह हो गईं। 1 करोड़ स्क्वायर मीटर रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा। मॉरिपॉल शहर की 40% इमारतें मुकम्मल तबाह हो गईं। 5000 से ज़ायद शहरी हलाक हुए। मॉरिपॉल के मेयर ने तमाम शहरियों के इनखिला का मुतालबा कर दिया। कीव में शहरी हलाकतों की तादाद 100 से तजावुज कर गई। शहर के अतराफ रूसी फौज ने घेरा मजीद तंग कर दिया। रूस ने एक बार फिर खबरदार किया है कि मुल्क को खतरा हुआ तो जौहरी हथियार इस्तेमाल करेंगे। रूसी हुकूमत के तर्जुमान दैमतरी पेस्कॉफ ने बयान में कहा कि अगर रूस की बका और सलामती को खतरा लाहक हुआ तो जौहरी हथियारों को खतरा खत्म करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। रूसी हुकूमत के तर्जुमान का मजीद कहना था कि यूक्रेन ऑपरेशन के नतायज कुछ भी हों, इसे जवाब बनाकर जौहरी हथियार इस्तेमाल करने का इरादा नहीं रखते। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से अमरीका ने मुतअद्दिद बार रूस की जानिब से जौहरी हथियारों के इस्तेमाल का खदशा जाहिर किया है। दूसरी जानिब रूसी सदर पुतिन ने यूक्रेन के सदर की जानिब से पेश किए गए अमन मंसूबे को मुस्तरद करते हुए कहा कि यूक्रेन में रूस की मुखालिफ ताकतों को कुचल दिया जाएगा।
रूसी सदर प्यूटन के तर्जुमान का कहना है कि रूस का मुज़ाकराती वफ्द आज इस्तांबुल पहुंच रहा है। तुर्की ने मुज़ाकरात के लिए आज की तारीख दी थी, ताहम वफूद वक्त पर इस्तांबुल ना पहुंच सके। क्रेमलिन के तर्जुमान के मुताबिक सदर प्यूटन और सदर ज़ेलेंस्की की मुलाकात का फिलहाल कोई इम्कान नहीं है। अब तक होने वाले मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित ना हो सके। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में बेयकीनी की सूरत हाल जारी है। एक मरतबा फिर खाम तेल की कीमत गिरावट का शिकार हो गई। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में बेयकीनी की सूरत हाल जारी है। एक मरतबा फिर खाम तेल की कीमत गिरावट का शिकार हो गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल की कीमतों में एक मरतबा फिर कमी वाक़ हुई है, जिसके बाद ब्रेंट खाम तेल $1.18 कमी से 111.30 फी बैरल पर पहुंच गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि WTI तेल की कीमत भी $1.09 गिरावट का शिकार हुई है, जिसके बाद WTI खाम तेल की कीमत $103.46 पर पहुंच गई है। ख्याल रहे कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी और इजाफे का सिलसिला रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमले के बाद से जारी है। रूसी हमले के खिलाफ अमेरिका और यूरोपीय ममालिक ने रूस पर सख्त तरीन पाबंदियाँ आयद कर दीं और जिसके बायस तेल की कीमतें आसमान को छूने लगीं। दूसरी जानिब भारत में पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। 8 रोज में पेट्रोल की कीमत में 7 मरतबा इजाफा किया जा चुका है। नई दिल्ली में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 8 पैसे इजाफे के बाद 100 रुपये लीटर से तजावुज़ कर गई, जबकि डीजल 91 रुपये से ज़्यादा की कीमत पर फरोख्त हो रहा है। टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी। डेली कनेडियन न्यूज़ बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टैक टीवी।